स्किल डेवलपमेंट का ये उत्सव अपने आप में अनूठा है। पूरे देश में स्किल डेवलपमेंट से जुड़े संस्थानों का ऐसा साझा कौशल दीक्षांत समारोह एक बहुत ही सराहनीय पहल है। ये आज के भारत की प्राथमिकताओं को भी दर्शाता है। इस आयोजन में देश के हजारों युवा टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े हुए हैं। मैं सभी युवाओं को बेहतर भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे युवा साथियों, हर देश के पास अलग अलग तरह का सामर्थ्य होता है, जैसे प्राकृतिक संसाधन, खनिज संसाधन या लंबे समुद्र तट। लेकिन इस सामर्थ्य को उपयोग में लाने के लिए जिस एक महत्वपूर्ण शक्ति की जरूरत होती है वो है युवा शक्ति। और ये युवा शक्ति जितनी सशक्त होती है उतना ही देश का विकास होता है, देश के संसाधनों के साथ न्याय होता है। आज भारत इसी सोच के साथ अपनी युवा शक्ति को एम्पावर कर रहा है। पूरे इकोसिस्टम में अभूतपूर्व सुधार कर रहा है और इसमें भी देश की अप्रोच दो तरफा है। हम अपने युवाओं को स्किलिंग और एजुकेशन के द्वारा नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार कर रहे हैं। करीब चार दशक बाद हम नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए हैं। बड़ी संख्या में हमने नए मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम या आईटीआई जैसे कौशल विकास संस्थान खोले हैं। करोड़ों युवाओं को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ट्रेनिंग दी गई है। वहीं दूसरी तरफ हम नौकरी देने वाले ट्रेडिशनल सेक्टर्स को भी मजबूत कर रहे हैं। हम रोजगार एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने वाले नए सेक्टर को भी बढ़ावा दे रहे हैं। आज भारत गुड्स एक्सपोर्ट्स, मोबाइल एक्सपोर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, डिफेंस एक्सपोर्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग में नए रिकॉर्ड बना रहा है। और साथ ही भारत स्पेस, स्टार्टअप्स, ड्रोन, एनिमेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सेमीकंडक्टर जैसे कई सेक्टर्स में आप जैसे युवाओं के लिए बड़ी संख्या में नए अवसर भी तैयार कर रहा है। साथियों, आज पूरी दुनिया मान रही है कि ये सदी भारत की सदी होने वाली है और इसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह भारत की युवा आबादी है। जब दुनिया के अनेक देशों में बुजुर्ग आबादी बढ़ रही है तब भारत दिनों दिन युवा हो रहा है। भारत के पास ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। पूरी दुनिया स्किल्ड युवाओं के लिए भारत की तरफ देख रही है। हाल में G20 समिट में ग्लोबल स्किल मैपिंग को लेकर भारत के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है। इससे आप जैसे युवाओं के लिए आने वाले समय में और बेहतर अवसर बनेंगे। देश और दुनिया में बन रहे किसी भी मौके को
हमें गंवाना नहीं है। भारत सरकार आपके साथ, आपकी हर जरूरत में आपके साथ है। हमारे यहां पहले की सरकारों में स्किल पर उतना ध्यान नहीं दिया गया था। हमारी सरकार ने स्किल का महत्व समझा और इसके लिए अलग से स्किल मंत्रालय बनाया, स्किल मंत्रालय के लिए अलग बजट दिया। भारत आज अपने युवाओं की स्किल पर जितना इन्वेस्ट कर रहा है उतना पहले कभी नहीं किया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने ग्राउंड लेवल पर युवा साथियों को बहुत शक्ति भी दी है। इस योजना के तहत अभी तक करीब 1.5 करोड़ युवाओं की ट्रेनिंग हो चुकी है। अब तो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स के आसपास ही नए कौशल केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं। इससे इंडस्ट्री अपनी जरूरतें स्किल डेवलपमेंट संस्थानों के साथ शेयर कर पाएंगी और उनके अनुसार ही जरूरी स्किल सेट युवाओं में डेवलप करके उन्हें रोजगार से जोड़ा जाएगा। साथियों, आप भी जानते हैं कि अब वो जमाना नहीं है कि एक काम सीख गए तो बस जीवन भर उससे काम चल जाएगा। अपस्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग, ये पैटर्न है जिसे हम सभी को फॉलो करना ही होगा। डिमांड तेजी से बदल रही है, नेचर ऑफ जॉब बदल रहा है, उसके हिसाब से हमारी स्किल्स को भी हमें अपग्रेड करते रहना होगा। इसलिए इंडस्ट्री, रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट संस्थानों का समय के अनुरूप होना बहुत आवश्यक है। किस स्किल में नयापन आ गया है, किसकी कितनी जरूरत है, पहले इस पर भी फोकस बहुत कम था, अब ये स्थिति भी बदली जा रही है। बीते 9 वर्षों में करीब 5,000 नई आईटीआई देश में बनाई गई है। इससे देश में आईटीआई की 4 लाख से अधिक नई सीटें जुड़ी है। इस संस्थानों को मॉडल आईटीआई के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है। मकसद ये है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ ही इनमें एफिशिएंट और हाई क्वालिटी ट्रेनिंग दी जा सके। साथियों, भारत में स्किल डेवलपमेंट का दायरा लगातार बढ़ रहा है। हम सिर्फ मैकेनिक, इंजीनियर, टेक्नोलॉजी या कोई दूसरी सर्विस इतने तक ही सीमित नहीं है। अब जैसे महिलाओं से जुड़े सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, अब ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को तैयार किया जा रहा है। इसी प्रकार हमारे विश्वकर्मा साथी हैं, ये हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। इनके बिना कोई भी काम नहीं चलता। लेकिन परंपरागत रूप से अपने बड़ों से जो काम ये सीखते हैं वही आगे बढ़ाते हैं। अब पीएम विश्वकर्मा योजना से इनके इस परंपरागत कौशल को आधुनिक टेक्नोलॉजी और टूल से जोड़ा जा रहा है। मेरे युवा साथियों, जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है, आप जैसे युवाओं के लिए नई संभावनाएं बनती जा रही है। अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ है और सर्वे में ये बात सामने आई है कि भारत में रोजगार निर्माण एक नई ऊंचाई पर पहुंचा है।
भारत में बेरोजगारी दर अपने 6 साल के सबसे निचले स्तर पर है। ये मैं बेरोजगारी की बात कर रहा हूं। भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों में ही बेरोजगारी तेजी से कम हो रही है। इसका अर्थ ये कि विकास का लाभ गांव और शहर दोनों ही जगहों पर बराबर पहुंच रहा है, रोजगार बढ़ रहे हैं, रोजगार मिल रहे हैं। इससे ये भी पता चलता है कि गांव और शहर दोनों ही जगहों पर नए अवसर भी समान रूप से बढ़ रहे हैं। इस सर्वे की एक और बहुत प्रमुख बात है, सर्वे में सामने आया है कि भारत की वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी उसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। नारी सशक्तिकरण को लेकर भारत में बीते वर्षों में जो योजनाएं बनी हैं, जो अभियान चलाए गए हैं, ये उनका प्रभाव है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय संस्था IMF ने भी जो आंकड़े जारी किए हैं वो भी आप सभी युवाओं का उत्साह बढ़ाने वाले हैं। IMF ने कहा है कि भारत आने वाले वर्षों में भी फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना रहेगा। आपको याद होगा, मैंने भारत को दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में लाने की गारंटी दी है। IMF को भी इस बात का पूरा विश्वास है कि भारत अगले 3-4 साल में दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा। यानी आपके लिए नए अवसर बनेंगे, आपको रोजगार स्वरोजगार के और ज्यादा मौके मिलेंगे। साथियों, आपके सामने अवसर ही अवसर है। हमें भारत को दुनिया में स्किल्ड मैन पावर का भी सबसे बड़ा पावर सेंटर बनाना है। हमें दुनिया को स्मार्ट और स्किल्ड मैन पावर सॉल्यूशन देने हैं। सीखने, सिखाने और आगे बढ़ने का ये सिलसिला चलता रहे। आपको जीवन में हर कदम पर सफलता मिले, यही मेरी शुभकामना है। आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं।